ओम एस्ट्रो वास्तु चैनल में आज फिर हाजिर है आपका मित्र, आपका दोस्त भाई वीरेंद्र सक्सेना। आज का वीडियो थोड़ा सा हटकर है। आपने देखा होगा कि सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, बच्चा गाड़ी चला रहा है, कोई भी गाड़ी चला रहा है, उसके साथ दुर्घटना हो गई और FIR दर्ज हो जाती है। जमीन जायदाद में कुछ दिक्कत आई तो उसमें मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है अड़ोसी पड़ोसियों से या सड़क पर चलते हुए, उसका कोई FIR हो जाती है। लड़का या लड़की के पक्ष की तरफ से शादी के बाद झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, यानी आपके विरुद्ध अदालत के चक्कर शुरू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्करों में आप पड़ जाते हैं बिना अपनी गलती के कारण। तो हम आपको बताएंगे, अदालत में फैसला आपके पक्ष में जरूर आएगा, आपको मुकदमे में विजय मिलेगी, आपके पक्ष में फैसला आएगा। तीन उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, आद्रा नक्षत्र। ये थोड़ा सा किसी पंडित से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आद्रा नक्षत्र बहुत उचित उत्तम नक्षत्र है अदालती फैसलों के लिए, क्योंकि इसमें इस नक्षत्र का यूज तब होता है जब अचानक घटनाओं का इसमें इजाफा होता है। तो इस नक्षत्र के अंदर आपने क्या करना है, आग का एक पौधा होता है, उसकी जड़ ले लें और जड़ को चूरा बना के एक ताबीज में भर लें। एक मंत्र बता रहा हूं, मम कार्य सिद्धि कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 11 बार जाप करें, मां भगवती के सामने या हनुमान जी के सामने धूप दीप जलाकर और मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी स्वार्थ सिद्धि करें, मेरे हर काम में अदालत के अंदर मेरे हर काम मेरे पक्ष में आए, फैसला मेरे पक्ष में आए। अगर आद्रा नक्षत्र शनिवार के दिन पड़ रहा है तो अजमाई भी बात है कि इसमें मुकदमा कभी आप हार ही नहीं सकते। दूसरी बात बता रहे हैं, उपाय है, पूजा स्थल में जो भी आपका पूजा स्थल है नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ये याद रख लें। सिद्धि विनायक मतलब गणेश जी अपने, इनकी पिरामिड स्थापित कर लें और हर बुधवार को इस पिरामिड को लाल कपड़े में लपेट लें और गण गणपते नमो नमः इस मंत्र का जाप करें हर बुधवार। और जब भी जाना हो आपने अदालत, साथ लेकर जाएं, मंत्र का जाप करें, आपके फेवर में फैसला जरूर आएगा। एक और अजमाया हुआ टोटका, थोड़े से चावल हैं, रख लें जेब में, जब आप कोर्ट कचहरी में जाएं उन चावलों को कचहरी में कहीं भी फेंक दें, हो सके तो जिस कमरे में मुकदमा चल रहा है उसके बाहर फेंक दें, अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। लेकिन देख लें कि इसको चावल को ले जाते समय, कोर्ट में फेंकते समय कोई आपको ना देखें, प्रभु ने चाहा तो आपके हक में फैसला जरूर आएगा। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं और प्रभु इच्छा अनुसार मुझे और भी नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा के एक मुख्य स्रोत बने। धन्यवाद।